दोस्तों आपका भाई आज का अल्ट्रा प्रो मैक्स विद्यार्थियों के साथ स्वागत है आपका इस वीडियो में। भाई मैं खेल रहा हूँ कार फोर्ड सेल। अरे कार फोर्ड सेल नहीं है, ये है सुपरमार्केट सिमुलेटर। एंड यार मेरे को बनानी थी GTA 5 की वीडियो, बट भाई नहीं बना पा रहा हूँ, बिकॉज यार जहाँ पे मैंने अपना सेटअप रखा है बहुत ज्यादा गर्मी होती है, नहीं बना पा रहा। तो आज मैं एक सुपरमार्केट सिमुलेटर बना रहा हूँ, छोटी सी वीडियो, एंड उसके बाद मेरे को टाइम मिलेगा 3 दिन का, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा चाहे कितनी भी गर्मी हो। बस मेरे को आज कुछ नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे एक बंदा हायर करना जो कि ये है रिक्वायर्ड स्टोर 10 लेवल का स्टोर करना है बस मेरे को। एंड दिस इज माई वीडियो टारगेट या एम या गोल्ड, ओके ना। तो यहाँ पर पहले हम काट लेते हैं इसके $30.47। यार ऐसे इंडिया में कब आएगा, मैं भी ऐसा बिजनेस कर दूं, कैसा है भाई। ज्यादा तो सामान लो, सामान है ही नहीं भाई, ज्यादा क्या लेंगे। ओके जल्दी से मैं इनको सामान देता हूँ, एंड उसके बाद अपना सारा का सारा स्टॉक मंगाएंगे। हाँ ये बंदा बढ़िया है, देखो कितना सारा सामान लिया भाई, ऐसे सामान लिया जाए ना हर बार क्या दिक्कत है फिर। भाई माँ कसम बताऊ ना, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इतनी गर्मी पड़े इसको कि जवाब नहीं, बट भाई करना तो पड़ेगा ना ब्रो। ओके तो गुड मॉर्निंग गाइस, एंड अभी हमारा ऑफिस क्लोज्ड है, बिकॉज यार मेरे को अपना पूरा सामान मंगाना है, देख रहे हो ना सारा का सारा सामान खत्म हो चुका है। लेकिन इधर भाई वॉटर पड़ी है जो कि मैं अपने इस फ्रिज में डाल देता हूँ छोटे वाले में। एंड यहाँ से जाने के बाद मेरे को मार्केट में जाना है। ओके यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहे हैं भाई, सारे मंगा लेता हूँ एक एक, देखू तो क्या क्या है। कुछ भी नहीं है भाई, बस इसको छोड़ के ना सारी चीजें मंगा लेता हूँ। तो यहाँ पर हो चुके हैं हमारा सारा का सारा ऑर्डर, कर दिया हमने अपना माल, एंड हमारे इस टाइम हो चुके हैं $54 मतलब बचे हैं। तो अपन इसको ओपन कर देते हैं, इतने बंदे भी आते रहेंगे, एंड मैं भी भाई अपना सारा सामान लगा ही दूंगा। तो इसको भी लगाते हैं भाई यहाँ पर, जैसे शायद मिल्क है, अमूल दूध पीता है इंडिया, बट इन सारी चीजों को लगा सकता हूँ भाई, क्योंकि इसके लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा जगह है। देखो भाई सब कस्टमर्स आ चुके हैं, बट यहीं पे खड़े रहो क्योंकि अभी मैं नहीं दे सकता सामान। एंड माल भी तो बहुत सारा मंगाया भाई, क्योंकि दुकान बहुत खतरनाक चल रही है अपनी। एंड दिस इज माई लास्ट प्रोडक्ट जो की यही है भाई, कॉफी वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा सेल होता है एंड अच्छा खासा प्रॉफिट है इसमें भी भाई। इसके भी 3 प्रोडक्ट बचेंगे, वो भाई ज्यादा बचे हैं, एक बचा है भाई। ओ भाई साहब क्या भीड़ लग गया यार यहाँ पर, मिल्क सारा खत्म हो गया भाई, अभी तो रखा ही था, सारा सेल हो गया। तो भाई जल्दी से इनका पैसा काटते हैं, मतलब जब यार यहाँ पर हम इनका मतलब कैश रजिस्ट्रेशन जो भी है भाई, कैश काउंटर पर बैठते हैं ना तो लेवल बढ़ता है ईपीएस वगैरह। चलो भाई साहब जल्दी, यार इतना कम सामान मत ले भाई, क्यों दिमाग की बजा रहा है, ज्यादा ज्यादा ले लेना। और इन्होंने बहुत ज्यादा सामान लिया है, ओ भाई 34 भैंस के कितना सारा सामान ले रहे, और भाई एक्स कहीं मैं सेम प्राइस पे तो नहीं भेज रहा, मतलब जितने का लेकर आ रहा हूँ उतने का ही। एक मिनट को भाई चेक करना पड़ेगा, ऐसी है भाई सस्ती चीज ऐसी ले। देखो भाई प्राइस मैंने डाले नहीं, जितने का लाए उतने का ही बेच रहा हूँ, ये बेटे इतना तो एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। एक मिनट रुक, मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट मंगा लूँ मैं। ओके तो एक और नया दिन, एंड बिल रेंट, अबे भैंस की आंख ऑटोमेटिक मतलब पे हो गया वो। एक मिनट रुक जा भाई देख लूं, फिर मेरे भैंस क्या का हुआ, भैंस पैसा भी काट लिया, हुआ भी कुछ नहीं है, मतलब दुकान का रोज का रेंट भी जाता है क्या, मेरे को तो पता ही नहीं था। चलो भाई दोबारा से ऑर्डर करते हैं सारा सामान, एक एक बार कर देता हूँ सारी चीज ऑर्डर, बस बात खत्म। भाई साहब यार कस्टमर आते रहते हैं, एंड मैं यहाँ पर बोर होते रहता हूँ। बट भाई पैसा तो अच्छा खासा कमा रहा हूँ यार, $5 होने वाले हैं दोबारा से भाई, अमीर तो मैं होने वाला हूँ। क्यों ना भाई इस बार मैं पूरा सामान को एक बार में ही मतलब इतना सारा ऑर्डर कर दूँ, इसका कोई जवाब नहीं ना खानदान नहीं देखो। चलो सारे पैसों का ना ये मंगा लेता हूँ, बस थोड़े बहुत छोड़ दूंगा। चलो भाई सब सारी चीज ऑर्डर करता हूँ जितने भी सामान का मैं ले सकता हूँ। ओके गाइस यार तो ₹247 का तो मैंने यहाँ पे मतलब सामान ले लिया है, एंड भाई ऑर्डर भी कर दिया है, थोड़ा सा और मंगा लेता हूँ $200 का ही, मेरे पास $150 के आसपास कुछ बच जाएंगे। लेट्स गो, फिर से मंगा लिया $240, तो मेरे पास बचे हैं सिर्फ $100। ओके गाइस यार लेट्स गो ब्रो। तो ये देखो भाई इतना सारा सामान आया था रात कल को जो मैंने मंगाया था, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा सामान मैंने यही मंगाया है। एंड गाइस अपना देख सकते हो पूरा ऑफिस भी खाली हो चुका है लगभग, ये भाई ज्यादा सेल नहीं हो रही, आई डोंट नो भाई क्यों। इसका प्राइस ड्रॉप हो गया, भाई प्राइस भी ड्रॉप नहीं हुआ है, बट मैंने फिर से मंगा लिया, पहले बहुत ज्यादा सेल हो रही थी ये, लेकिन सारा सामान निकल चुका है। तो भाई दोबारा से अपनी दुकान को मैं भरता हूँ जरा। चलो भाई साहब लगाते सारी चीजों को, भाई अंदर तो जाने दे मेरे को, यहाँ पे ब्रेड है जो कि भाई पहले से रख रखे हैं इतने, बट मैंने दोबारा मंगा लिए, देखते हैं भाई पूरा फर्नीचर भर पाता है या फिर नहीं, या फिर उसके बाद भी हमारे पास थोड़ा बहुत रह जाता है सामान। शॉप तो ओपन कर दी, बट कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, शॉप ओपन नहीं है, अब ओपन होगी। एंड जब तक मैं सारे सामान को रखूंगा इतनी तगड़ी भीड़ लग जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं, बट हाँ ज्यादा ज्यादा सामान नहीं खरीदते हैं फिर, क्योंकि सामान ही कम रखा होता है दुकान में। अपन नीचे वेयर कर सकते, तो देख सकते हो भाई पूरी की पूरी दुकान नहीं भरी अभी, क्योंकि थोड़ा सा सामान इधर रह चुका है, एंड बाकी तो सारी चीजें फुल है, एंड फ्रिज भी फुल है, सारी चीजें फुल है। तो अभी भाई यहाँ पर काटते हैं, नींद से आ रही, चक्कर से आ रहे, इतनी गर्मी में बैठा हूँ मैं अभी एंड गंजा होके। ओहो ऐसे सामान लो भाई, ये बढ़िया सामान लेते हैं मैं इसकी यहाँ, बट पैसे कम है थोड़े से। ये देखो भाई दोबारा से $392 यानी कि $400 होने वाले हैं अपने पास।
अब एक एक चीज को लेते हो मेरे भाई। गाइस यार तो $550 हो चुके हैं मेरे पास दोबारा से, एंड अभी तो भाई दुकान में सारा का सारा सामान रखा ही है। एंड भाई मेरे को लग रहा है इस बार ये सारा सामान गायब हो जाएगा, यानी कि सेल हो जाएगा ना, तो मेरे पास अच्छे खासे मतलब $1000 नहीं भाई $1500 के आसपास आ सकते हैं, क्योंकि भाई देख सकते हो $700 तो अभी होने वाले हैं। एंड हमारा 10 लेवल भी होने वाला ही है, बोला था ना भाई $700 अभी हो गए, एंड अभी तो दुकान में सामान कुछ निकला भी नहीं है। यो बस अब बॉयज तो अपना हो चुका है 10 लेवल कंप्लीट, लेट्स गो ब्रो। तो सबसे पहले इसको काटने के बाद मैं देखता हूँ अभी इसी टाइम हायर कर सकता हूँ या फिर नहीं उसको, एंड उसके बाद मेरा घंटा यहाँ पे कैश काउंटर पे नहीं बैठेगा, इसको करता हूँ मैं अभी हायर एंड देखता हूँ भाई कितनी देर में आएगा वो यहाँ पर कैश को काटने। ओ भाई लगाते के साथ ही बंदा आ गया यहाँ पे, एंड मेरे अकाउंट में जाएगा भाई सीधा पैसा धैड़ धैड़ करके। भाई कितनी देर में काटता है तू? ओके भाई साहब पहले मैं सुबह कर लेता हूँ, एंड इसको कर दिया है मैंने ओपन, एंड पहले देखता हूँ भाई मेरे पास कितने का रेंट है उसको पहले कर देता हूँ मैं क्लियर बैंक। ओ भाई 2 दिन का आ चुका है, मैंने दोनों दिन का पे कर दिया है। भैंस क्या कस्टमर आओ। ओ भाई सर चीज गायब हो चुके हैं यहाँ से, इनको रखते हैं अपन दोबारा भाई, इस बार फ्रीज की चीजें ज्यादा सेल हुई हैं। अब बंदे आओ मेरे को देखना है भाई कैसे काटता है ये पैसे, 2 बंदे आ चुके हैं लेट्स गो, देखते हैं भाई कितने जल्दी हमको पैसे मिलते हैं। 2 इसने टी खरीदी है, इसने सामान रखा बैग में, इसने दिया कार्ड, इसने लगाया कार्ड। ओ भाई पैसे आ गए, ऐसा तो भाई मौज है अपनी, भैंस क्या करेंगे ऐसी और लगाते रहेंगे। तो गाइस कमेंट्स सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसे लगे, इस टाइप की वीडियो बनानी है फिर नहीं, बट अगर आपको सच्ची में मेरी कोई वीडियो मेरे से सजेशन लेनी है ना तो ये वीडियो आ रही है इसको जाके देखो भाई।